नवगछिया के एक विद्यालय में एक ऐसा वाकया घटित हुआ जिससे वहां के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ छात्र छात्राएं भी शर्मसार हो गए। देखते देखते वहां सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ग्रामीणों के द्वारा हंगामा किया जाने लगा। मामला नवगछिया प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बोड़वा गाँव की है, जहाँ विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नवीन झा शराब के नशे में धुत होकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही अचेत हो गए। जब बच्चों ने हेडमास्टर साहब को इस अवस्था में देखा तो आपस में चर्चा करने लगे। साथ ही वहाँ कार्यरत सभी शिक्षकों के बीच भी दबी जुबान से शराब पीने की बात होने लगी। इतने में इस बात की भनक ग्रामीणों को लग गई। फिर क्या था, देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ विद्यालय परिसर में जमा हो गई। जब ग्रामीणों के द्वारा उसे उठाया गया तो वो नशे में पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे। हालत बेकाबू देख प्रधानाध्यापक अपने कक्ष में चले गए और वहां पहुंचने वाले विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एवं अन्य लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इस मामले को रफा दफा करने की बात कहने लगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने कक्ष में एक व्यक्ति को मामले को रफा दफा करने के बदले रुपये देने का वीडियो ग्रामीणों द्वारा वायरल किया गया। इसके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक बार बार ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़कर इस घटना को यहीं पर खत्म करने की आरजू मिन्नत कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बचा लीजिए। घटना की सूचना पर पहुंची प्रवक्ता पुलिस ने प्रधानाध्यापक को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और नवगछिया स्थित अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां उनकी जांच ब्रेथ एनालाइजर मशीन से की गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई। इस संबंध में प्रवक्ता थानाधीश शंभु कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर प्रधानाध्यापक का जांच कराया गया तो शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में ग्रामीण सब विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फूलन कुमार ने प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से हेडमास्टर बने हैं तब से विद्यालय की दुर्दशा है। रोज हेडमास्टर साहब शराब पीकर विद्यालय आते हैं और पुरुष शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते ही हैं। महिला शिक्षक के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सबों को हेडमास्टर साहब दरार धमका कर रखते हैं क्योंकि इनका घर भी बोड़वा के बगल में ही खगड़ा गाँव पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि इनकी कारगुजारी की सूचना कई बार मौखिक रूप से पदाधिकारियों को दी गई, परंतु इसके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छुट्टी जान ले लिया तीन चार बजे शाम में नहीं जब शराब खत्म एक थानों आ गए यहाँ उसी लिए बैठ में हम तो आपको स्कूल नहीं आना चाहिए इसलिए कि छुट्टी सीएल ग्राउंड से नहीं होता है छुट्टी का भी प्रतिबंध कर दिया नहीं होता है तब दारू पीजिएगा स्कूल में आके बच्चा क्या पढ़ाइएगा ये मेरे लिए मोचक वगैरह कर कीजिएगा कहाँ कहाँ निकलते हैं चाचा क्या क्या घटना हुआ आ रहा आज आप लोग क्यों क्यों भीड़ जमा से आ रहे थे यहाँ पर बहुत भीड़ था भीड़ था ना तो हम पूछे कि यहाँ क्या बात है यहाँ बोला कि हेडमास्टर ने दारू पिया है तो दारू पिया तो हम बोले कि यह आप हेडमास्टर हैं आपको यही काम कर होना चाहिए जी तो वो बोला कि जरा हमको बचा लीजिए कि लिए क्या बचा देंगे आप तो मास्टर को भी गाली देते हैं और जितने भी मास्टर भी में जो महिला है उनको भी अच्छी करते हैं ये सब काम नहीं होना चाहिए सुबह से ही नौटंकी हो रही थी हाँ सुबह से नौटंकी हो रहा था अच्छा कुछ कहाँ कहाँ आप इसको सूचना दिए इसके अभी वीडियो आज था और थाना भी आया था थाना ले गई हाँ थाना ले गया है क्या दारू पिया है कौन सा स्कूल का ये मध्य विद्यालय बोड़वा मध्य विद्यालय बोड़वा कैसे पता चला और क्या रोज पीते हैं कैसे क्या करा बताइए डेली पीते हैं ऑफिस में गंजा भी पीते हैं इनका तो यही काम है और कोई शिक्षक को ये बदन नहीं देते हैं कहाँ का है टीचर खगड़ा आपका क्या नाम हुआ आपका फुलेन कुमार फुलेन जी आप ग्रामीण हैं यहाँ के हाँ स्कूल का अध्यक्ष भी हैं स्कूल का अध्यक्ष अभी तक कुछ शिकायत कोई नहीं किया गया था कोई इसके बारे में हाँ सर तो कोई उस पर कार्रवाई वगैरह नहीं शिकायत लिखित नहीं हुआ था हम लोग आज कैसे पता चला और क्या आज जो है कि से विद्यार्थी लोग आया खाना दिया खाना जो है कि छोड़ करके खाना पर सो गया फिर वही खाना खा के डूठे पानी से कुल्ला किया पानी पिया मुंह धुआ हाथ धुआ जब हम आए तो हमको बोल रहा है कि से सर बचा लीजिए आज क्या नाम हेडमास्टर का नवीन झा नवीन यादव नवीन झा नवीन
एक अच्छी जो घटना हुई, ग्रामीण आक्रोशित हो गए कि सर अंदर आकर। हाँ, तो हुआ क्या कि हम लोग क्लाक में थे, क्लाक में आने के बाद जो है, हाँ, जब टिफिन का समय हो गया तो हम लोग बच्चे को खाना खिला रहे थे। हाँ, खाना खिलाने के बाद तब तक में वो आकर के आया और वहाँ पर जो है कुर्सी पर बैठ करके वह हाँ लेट गया। बस यही बात हुआ। बोला कि सर आपके नशे में गिर पड़े, ऐसा ऐसा कुछ क्या कि पहले भी शराब पीते हैं क्या? हाँ पीते हैं। कब से इनका ये सारा? बहुत दिन क्या, 6 महीना पहले किया, ये भी किया, नशे में रहते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका सर? रमेश पांडा। पहले आप प्रधान यहाँ पर? पहले हम यहाँ प्रभार में थे। नाम बोले नवीन कुमार जी। क्या हुआ सर, क्या मामला है, आप पर आरोप लगा है? मामला यही है कि हम कमीशन नहीं देते हैं। एक घंटा पहले बवाल के 1 घंटा पहले 10 ठो लड़का आया कि सर शील्ड का पैसा देना है आपको। कहले अच्छा ठीक है, इसके लिए सोचेंगे हम। उसके बाद रमेश भाजी को बोले कि हम आते हैं 33 से गिट्टी बालू दे करके वहाँ से आते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर के दवाई खाने से नींद का झपटी आ गया, हम सो गए। इस पर सब स्टाफ जो है माहौल बना करके पिया है ये किया है। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद वो लोग ग्रामीण आया है, पिया है, ये किया है, जबकि बगल में बैठा हुआ है आदमी कह रहा है शांत रहिए ना, आप शांत रहिए ना। इसमें जो है मेन हाथ है फुलेन का, वार्ड का जो है मेन हाथ है, वही किया है बदनाम करवाने के लिए। कहा कि कमीशन हम कहाँ से देंगे, इंजीनियर से नापी होता है, ये होता है। आज हम गेट तोड़वाते, वोल्टेज नहीं रहने के चलते काम आज नहीं हुआ। यही सब बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? नवीन कुमार झा। और कब पोस्टेड? हम यही जुलाई 23 में आए। जुलाई में आए सर। पहले कहाँ थे सर आप? पहले हम सरोख में थे। आपका घर कहाँ हुआ सर? खगड़ा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर अमर सोर चौधरी इन दिनों पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लगातार जिलाधिकारी अलग अलग विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं और कार्य प्रणाली में सुधार लाने का दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में DM ने सदर अस्पताल और मॉडर्न अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के आउटडोर इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड सेंटर सहित अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन अंजना कुमारी और सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू को स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना चाहिए, इसको लेकर जो व्यवस्था करनी हो जल्द से जल्द करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्वास्थ्य सुविधा में लापरवाही बढ़ाने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा, अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि भागलपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जल्द ही मॉडर्न अस्पताल चालू हो जाएगा। आज अस्पताल में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें सिविल सर्जन, यहाँ के DPM और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न विभागों के बारे में हमने कई निर्देश दिए हैं। अब पहला तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग है जो जर्जर है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, सभी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पत्र भेजा जाए। दूसरा कि कई जगह पे वायरिंग के इश्यूज हैं, हमने कहा कि उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कराइए। हार्ट की हमने देखा कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम दूर दराज के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसको मजबूत करें ताकि आम लोगों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसकी मजदूरी नहीं जाए और उनको सुविधा, सारी सुविधाएँ वहीं मिल सकें। चौथा हमने कहा है कि जितने भी OPD हैं और पैथोलॉजिकल जाँच है या अन्य अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपना नाम और अपने गांव का नाम बताए तो उसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो,
कई बार होता है गाँव में कि कागज भुला गया, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाए दोबारा, तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे क्या देखेंगे। तो हमारे सिस्टम में सारा डेटा सेव हो ताकि व्यक्ति आए अपना नाम बताए, फिर सारा डेटा डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए और डॉक्टर बेहतर से देख भी सकेंगे कि उनको पहले हमने किस चीज़ का इलाज किया था, अभी उसको क्या दिक्कत है, तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाएगा। और नेक्स्ट ये भी मैंने ऐड किया है कि हालांकि बैठने की लोगों के बैठने की अच्छी सुविधाएँ हैं, लेकिन जो मेडिकल मेडिसिन का आउटडोर है वहाँ कुछ कुछ सुविधाओं का अभाव था, तो मैंने उसको सुविधाएँ को बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है। साथ ही बहुत जल्द आपका मॉडल अस्पताल बहुत जल्द बन जाएगा, वार फुटेज पे काम हो रहा है, तो बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा, तो इस भागलपुर के लोगों को काफ़ी उसकी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मैंने कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ चार सर्जन हैं, तो चारों सर्जन हैं, तो सर्जन जो बड़ा ऑपरेशन होता है बड़ा ऑपरेशन पर फोकस करें। और इसके अलावा जो हमारे चिकित्सकगणों ने अभी मुझे बताया है कि कई प्रकार के स्टोन यहाँ लोगों में पाए जाते हैं, जैसे क्रेनल स्टोन हो गया और गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया। मैंने कहा कि स्टोन का एनालिसिस करवाइए कि आखिर स्टोन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और उसके बाद हम लोग उस लेवल पर जाएँ कि आखिर खाने में दिक्कत से हो रहा है या पीने के पानी में दिक्कत से हो रहा है या लाइफ स्टाइल से हो रहा है, ताकि लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स में ही हम ठीक करें ताकि वो बीमार नहीं। ग्रामीण स्तर तक भी सुविधा पहुंचाने की बात करें, अभी भी ग्रामीण स्तर तक सुविधा है, लेकिन हमने उसको मजबूत करने के लिए कहा है, हमारा सब सेंटर है, आप पीएचसी है, सीएचसी है, कुछ रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, एडिशनल पीएचसी है। मैंने स्पष्ट कह दिया है कि समय से लोग आएंगे और लोगों को सेवाएं देंगे जो सरकार ने मुहैया कराया है। यदि किसी के द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है तो यदि मुझे 50 को सस्पेंड करना होगा तो 50 को सस्पेंड करेंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट भी करेंगे और जो काम नहीं करने वाले हैं उन पे विधिवत करवाएंगे। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया पचकटिया में पानी से भरे गड्ढे में टोटो पलटने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची भतोड़िया गंगा प्रसाद इलाके की रहने वाली पुरंदास की 1.5 साल की बेटी विशाखा कुमारी है। पुरंदास बच्ची को डॉक्टर से दिखाकर घर लौट रहे थे, बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भदौड़िया के ग्रामीणों ने बताया कि इस गड्ढे में गांव की नली व बारिश का पानी जमा रहता है, कई बार फिसलकर स्कूली बच्चे और बूढ़े इस गड्ढे में गिर चुके हैं। हम चंपालगढ़ फौरे के पास बैठे टोटो पर बिहारीपुर होते हुए आया और गंगा प्रसाद कुइयां के पास टोटो पलटी मार दिया पानी में, बच्चा डेड हो गया। कितना साल का बच्चा था? 1.5 साल का था। क्या नाम था? विशाखा कुमारी। ये घटना टोटो से? हाँ। क्या पूरा पानी नहीं था क्या? यही पानी में डेट गया, टोटो वाला सब गिर गया तो पानी में हो गया। क्या नाम हुआ? यहाँ रोज दो टोटो पलटता है। कौन गांव है? भतोड़िया गंगा प्रसाद। अच्छा, अमिटू मुखिया कुछ नहीं कर रहा अभी तक, पैसा लेके मंडल सो गया है। कौन नंबर वार्ड है? 7 नंबर वार्ड है। रोजे होता है? रोजे ही जगह दो को टोटो पलटता है रोज, नित्यम दिन सुबह शाम, और कोई मुखिया जो आता है घूर के चल जाता है, कुछ नहीं करता है। उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मणिकांत कुमार यादव। घर? भतोड़िया। वार्ड? 7 नंबर वार्ड। थाना कौन सा पड़ता है? यूँ तो बिहार पुलिस के बारे में कई नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं यह बिहार पुलिस की सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। दरअसल पीरपैंती में पदस्थापित दरोगा पुरुषोत्तम झा को ब्लॉक परिसर के पास रोड पर एक व्यक्ति तड़पते हुए मिला, जिसे पिकअप वैन ने धक्का मार दिया था, जिसको उन्होंने तुरंत उठाकर अपनी गाड़ी पर रेफर अस्पताल पीरपैंती लाया, इलाज कराया। हालांकि युवक की स्थिति बोल पाने की नहीं थी, किसी तरह उसने अपना घर मानिकपुर बताया। वहां के मुखिया प्रतिनिधि गुंजन कुमार से संपर्क कर उनके परिजनों को सूचना दी गई। डॉक्टर नीरज कुमार ने नाजुक स्थिति देख युवक को भागलपुर रेफर कर दिया। उस परिस्थिति में मरीज को कोई टांग कर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाने वाला नहीं था, तो पुरुषोत्तम झा ने खुद उसे गोद में उठाकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया। उनसे कई लोगों ने बोला कि आपकी वर्दी गंदी हो जाएगी, खून लग जाएगा। उन्होंने बताया कि इंसानियत का भी अपना एक धर्म होता है, वर्दी तो दूसरा भी सिलवा लिया जाएगा। सबसे पहले युवक की जान बचानी जरूरी है, तथा सभी लोगों से अपील भी की कि आपको भी कोई इस विकट परिस्थिति में मिले तो उसे तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल पहुंचा। सर अभी एक एक्सीडेंटल पेशेंट आया था, उनका नाम बबलू यादव बताया जा रहा है, मणिकपुर का था। तो क्या समस्या हो रहा था? अभी उनको सर लोग गाड़ी में लाते तो खून की उल्टी करने लगे। जी मैं डॉक्टर नीरज कुमार राज रेफर हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर हूँ। अभी हमारे पास लगभग 12:10 पे एक पेशेंट आया था, जो कि यहाँ के थाना इंचार्ज लेके आए हुए थे।
आरटीए का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल लैसरेटेड वुंड था पूरा फेस पे, नोज पे और हेड पे, और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन में भी इंजुरी था उनका, जिसके वजह से उनको कुट की उल्टी हो रही थी और नेजल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके इनको आगे की बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया। भागलपुर के नाथनगर के कजरली थाना क्षेत्र के बिशनरामपुर में 25 वर्षीय विवाहिता लक्ष्मी देवी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला का शव कमरे में मिला। इसकी सूचना मिलने के बाद कजरली पुलिस ने पहुंच कर जांच की। पुलिस ने उक्त कमरे को सील कर दिया। लक्ष्मी का मायके दराधी बागपुर है। उनके पति गांधी तांती राजकोट में काम करते हैं। उनकी शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। महिला को 1 साल की बेटी थी जिसकी 2 माह पहले मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी काफी दिनों से परेशान थी। बच्ची की मौत के बाद भी पति घर नहीं आए तो लोगों ने बताया बेटी की मौत और उसके बाद भी पति के घर नहीं आने से महिला और हताश हो गई थी और कमरे में ही गुमसुम रहती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। अचानक कल जब दरवाजा नहीं खुला तो शक हुआ। घर में ससुर रीतल तांती और सास ने ग्रामीणों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा, उसकी लाश लटकी मिली। कजरली पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने FSL की टीम से भी घटनास्थल की जाँच कराई है। और हमरा आने का कोई खबर पता नहीं। कहाँ थे ससुराल? ससुराल बिशनपुर था। घर कहाँ है उसका? घटना हुआ था, एक लात ऐसे पलंग पर धरा हुआ था, एक लात ऐसे लटका हुआ था और फसरी जो लगा हुआ था तो नहा गिट्ठा बना हुआ था, नहा वो गला में गिट्ठा नहीं है उसको। फांसी लगाया गया था? नहीं देखिए ना ऐसे हुआ था, देखिए ना बता देते हैं जैसे था ही है, देखिए ऐसे और औरत ऐसे लग रहा है, लग रहा है कि ऐसे अगर जो घटना मारता उसको अपने फंसी लगाता तो वहाँ पर गिट्ठा बांध के झूलता हो, लेकिन गिट्ठा तो वहाँ पर बना हुआ नहीं था। अच्छा फांसी लगाया था? नहीं लगाया था। नहीं फांसी गिट्ठा गला में फेंकवे नहीं किया है। नहीं ठेका था? नहीं। तो क्या लगता है आप लोग को? लगता है कि तो मार करके उसको मार करके सुता दिया था। कहाँ पे पड़ता है? थाना कौन सा था? कजरली। आप कौन हुए उनका? हम कोई नहीं, हम तो लाश उठाने वाला है, कहीं भी होता है सारा पता सब उठा करके हमको नौलखा ले जाना है, बरारी पर मौतम करना है। भागलपुर के बंसी टीकर स्थित ABC हॉस्पिटल में 11 फरवरी को निशुल्क कैंसर रोग जांच का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी एवं ABC हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा। जानकारी ABC हॉस्पिटल के निदेशक एवं जीवन जागृति सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतेंद्र ने प्रेस वार्ता कर दी। डॉक्टर सतेंद्र ने कहा कि यह जाँच हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार पात्र के द्वारा रक्त संबंधित बीमारी एवं रक्त कैंसर की जाँच की जाएगी। प्रेस वार्ता में जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष आभा पाठक, सोसाइटी के राकेश मिथुन सहित कई लोग शामिल थे। अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे ABC लाइफ केयर हॉस्पिटल में नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता की एक टीम डॉक्टर शिशिर पात्रा के नेतृत्व में हेमेटोलॉजी का एक कैंप करने जा रही है। यह कैंप बिल्कुल मुफ्त होगा। यह कैंप 11 तारीख दिन रविवार को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा और इसमें किसी भी रोगी से किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाएगा। अतः जो बच्चे को हीमोफीलिया हो या थैलेसीमिया हो या एनीमिया का शिकायत हो या बच्चे के में हीमेटो ऑन्कोलॉजी कैंसर का शिकायत हो, जैसे ल्यूकेमिया, डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकेमिया भी रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं या ये लक्षण आपको लग रहा है तो आप उस बच्चे को हमारे यहाँ भेजिए, मैं उनका मुफ्त में प्राथमिक जांच करवाऊंगा। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहकार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, DSLR सहप्रवेक्षक अनीश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, थानाध्यक्ष प्रंजन की निगरानी में पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख बिंदु देवी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगने पर चर्चा की। चर्चा के उपरांत मत विभाजन प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें पक्ष में 14 और विपक्ष में 10 मत प्राप्त होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रमुख पद से बिंदु देवी को हटा करके अगली तिथि निर्धारित करते हुए चुनाव कराने की बात कही गई। जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहकार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने दी। आज
पंचायत समिति परम सुल्तानगंज के विरुद्ध जो भी वो स्वास्थ्य प्रस्ताव लाया गया था आज मत विभाजन उस पर चर्चा है तो आज बैठक की गई थी जिसमें कि नियत समय 12 बजे बैठक प्रारंभ की गई और उप प्रमुख उसकी अध्यक्षता कर रही थी। आरोप जो भी उसमें लगाए गए थे उसको पढ़ के सभी सदस्यों को सुनाया गया और उस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए सभी समिति सदस्यों को कहा गया। उन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद प्रमुख महोदया को अपने सफाई में कहने का मौका दिया गया जो भी आरोप लगाया गया था उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके बाद सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि मत विभाजन कराया जाए। मत विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सभी 24 उपस्थित सदस्य ने अपना मतदान दिया उसमें जिसमें से कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 10 मत पड़े। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का स्वागत नागरिक विकास समिति केंद्रीय काली पूजा समिति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक पदाधिकारी व नागरिक विकास समिति केंद्रीय काली पूजा समिति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाना और अपने शहर का चहुंमुखी विकास करना है। भागलपुर सभी संस्थाओं का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं से मेरा अनुरोध होगा कि प्रशासनिक नियमों के साथ साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले और शहर को भाईचारे के साथ एकता के साथ आगे बढ़ाना है। पीरपैंती प्रखंड के अम्मा पाली के पकड़िया मैन नदी के पुल से कुछ दूर पर एक विशालकाय अजगर मिला जिसका वजन 90 किलो से ऊपर बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तभी वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर विशालकाय अजगर को पकड़ा। वन विभाग पीरपैंती के वन रक्षक अमन कुमार वनपाल पूनम ने वहां पहुंच अजगर को देखा जिसकी सूचना भागलपुर के वन विभाग के अधिकारियों को दिया गया। इसके बाद रेंजर वहां पहुंचे और कैच पाइप से अजगर को पकड़ा। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बताया कि अजगर सुंदरबन भागलपुर ले जाया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है जिसका युवाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं को लाभ मिलता दिख रहा है। सरकार के इस तरह के पहल के कारण जहां अलग अलग खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है वहीं बच्चे भी अलग अलग स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में मेडल जीतकर अपने जिले राज्य और प्रशिक्षकों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर किलकारी भवन के बच्चों ने भी पटना में आयोजित 4th ऑल इंडिया रिपब्लिक कप 2024 कराटे चैंपियनशिप में 30 मेडल पर कब्जा जमा कर जिले और अपने संस्थान के साथ प्रशिक्षकों का भी नाम रोशन किया है। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स एंड बिहार साइको काई कराटे इंटरनेशनल इंडिया की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में भागलपुर किलकारी के 16 बच्चों ने हिस्सा लिया जिसमें 2 अलग अलग इवेंट में बच्चों ने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 30 पदक पर कब्जा जमाया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैड भागलपुर में आज प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान विषय से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम घंटाघर के अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम काव्य दिवस उद्घाटन भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने किया साथ ही डैड के दर्जनों अधिकारी व शिक्षक छात्र छात्राएं मौजूद थे।